हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट का फुली रिव्यू करेंगे, जो कि मुख्यतः दो सॉल्टों से मिलकर बनी है। इस टैबलेट में उपस्थित जिन दो सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है वो है ऑफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल। दोस्तों, अगर हम जेनफ्लॉक्स ओजेड में उपस्थित ऑफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल की बात करें तो दोनों एक ही एंटीबायोटिक सॉल्ट जैसी कैटेगरी में आते हैं, और एंटीबायोटिक्स का कार्य हमारी बॉडी यानी कि शरीर में पनप रहे जर्म्स और बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है। यह अपना कार्य जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को प्रभावित करके करती है। इसके साथ साथ यह बैक्टीरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट का इस्तेमाल हमारे शरीर में होने वाले किन किन परेशानियों में किया जाता है, तो इस टैबलेट का खास इस्तेमाल खासतौर पर जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस यानी कि श्वसन मार्ग संक्रमण, आइज एंड ईयर इन्फेक्शन, इसके अलावा महिलाओं में यौन संबंधी संक्रमण, गैनोरिया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन व लूज मोशन जैसी स्थिति होने पर मैक्सिमम हर जनरल डॉक्टर अपने पेशेंट को जेनफ्लॉक्स ओजेड या इस टैबलेट के सॉल्ट से मिलती जुलती टैबलेट अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट में अवेलेबल कंपोजिशन की क्वांटिटी यानी कि कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको पर टैबलेट ऑफ्लोक्सासिन आईपी 200 mg और ऑर्निडाजोल आईपी 500 mg की मात्रा मिलती है। दोस्तों, अगर हम इस टैबलेट के ब्रांड की बात करें तो वो है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, जो कि काफ़ी जाना माना और फेमस ब्रांड है। यह मेडिसिन एक कॉमन मेडिसिन होने की वजह से आपको हर एक केमिस्ट शॉप पर बड़ी ही आसानी से ओनली 51 rupees में 6 tablets की पैकिंग में अवेलेबल होती है। फिलहाल दोस्तों, जो मेरे पास जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट है वह सिर्फ एक एज ए सैंपल मेडिसिन है। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें और इसके प्रयोग से होने वाले साइड इफेक्टों से कैसे बचा जाए। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में बताई गई डिजीज़ यानी कि बीमारियों में से यदि आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल आप सुबह और शाम दिन में 2 times कर सकते हो, और हो सके तो दोस्तों टैबलेट का इस्तेमाल खाना खाने के 1 घंटे बाद ही करें। अगर हम जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट के साइड इफेक्टों की बात करें तो इसके साइड इफेक्टों में आपको जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स कभी कभी देखने को मिल सकती हैं, जो कि इस टैबलेट के कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही होते हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करते समय कुछ खास बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, गर्भवती लेडीज या जिन लोगों को लीवर या गुर्दे संबंधी समस्या है, वे बिना डॉक्टर की सलाह लिए बगैर मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, ये थी जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट से जुड़ी कुछ खास बातें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए हेल्थ और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट का फुली रिव्यू करेंगे, जो कि मुख्यतः दो सॉल्टों से मिलकर बनी है। इस टैबलेट में उपस्थित जिन दो सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है वो है ऑफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल। दोस्तों, अगर हम जेनफ्लॉक्स ओजेड में उपस्थित ऑफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल की बात करें तो दोनों एक ही एंटीबायोटिक सॉल्ट जैसी कैटेगरी में आते हैं, और एंटीबायोटिक्स का कार्य हमारी बॉडी यानी कि शरीर में पनप रहे जर्म्स और बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है। यह अपना कार्य जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को प्रभावित करके करती है। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट का इस्तेमाल हमारे शरीर में होने वाले किन किन परेशानियों में किया जाता है, तो इस टैबलेट का खास इस्तेमाल खासतौर पर जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस यानी कि श्वसन मार्ग संक्रमण, आइज एंड ईयर इन्फेक्शन, इसके अलावा महिलाओं में यौन संबंधी संक्रमण, गैनोरिया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन व लूज मोशन जैसी स्थिति होने पर मैक्सिमम हर जनरल डॉक्टर अपने पेशेंट को जेनफ्लॉक्स ओजेड या इस टैबलेट के सॉल्ट से मिलती जुलती टैबलेट अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट में अवेलेबल कंपोजिशन की क्वांटिटी यानी कि कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको पर टैबलेट में ऑफ्लोक्सासिन आईपी 200 mg और ऑर्निडाजोल आईपी 500 mg की मात्रा मिलती है। दोस्तों, अगर हम इस टैबलेट के ब्रांड की बात करें तो वो है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, जो कि काफ़ी जाना माना और फेमस ब्रांड है। यह मेडिसिन एक कॉमन मेडिसिन होने की वजह से आपको हर एक केमिस्ट शॉप पर बड़ी ही आसानी से ओनली 51 rupees में 6 tablets की पैकिंग में अवेलेबल होती है। फिलहाल दोस्तों, जो मेरे पास जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट है वह सिर्फ एक एज ए सैंपल मेडिसिन है। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि जेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें और इसके प्रयोग से होने वाले साइड इफेक्टों से कैसे बचा जाए।
दोस्तों, जैसा कि वीडियो में बताई गई डिजीज़ यानी कि बीमारियों में से यदि आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल आप सुबह और शाम दिन में 2 टाइम कर सकते हो, और हो सके तो दोस्तों टैबलेट का इस्तेमाल खाना खाने के 1 घंटे बाद ही करें। अगर हम जेनफ्लोक्स ओडर टैबलेट के साइड इफेक्टों की बात करें तो इसके साइड इफेक्टों में आपको जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स कभी कभी देखने को मिल सकती हैं, जो कि इस टैबलेट के कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही होते हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करते समय कुछ खास बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, गर्भवती लेडीज़ या जिन लोगों को लीवर या गुर्दे संबंधी समस्या है, वे बिना डॉक्टर की सलाह लिए बगैर मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, ये थी जेनफ्लोक्स ओडर टैबलेट से जुड़ी कुछ खास बातें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए हेल्थ और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।